मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में, फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कैसे ये कोर्स किए जाते हैं, सैलरी क्या है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जुड़े रहिए इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ से। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो पर मैं आता हूं और बेल आइकॉन भी दबा लें नोटिफिकेशन, जिससे रोज नए नए वीडियोस आपको जानकारी उपलब्ध होती रहे। विषय इंपॉर्टेंट है। आजकल फिजियोथेरेपिस्ट का प्रचलन बढ़ा है क्योंकि बीमारियां ऐसी हैं कि डॉक्टर फिजियोथेरेपी की राय देते हैं। कुछ लोग मसल्स में पेन रहता है, हड्डियों में पेन रहता है, तकलीफ रहती है, तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो इसमें फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज, मसाज, इलेक्ट्रोथेरेपी आदि होते हैं और ये एक पैरामेडिकल टाइप का कोर्स होता है जिसकी ट्रेनिंग वेनिंग भी होती है। पॉपुलर कोर्स है जिसमें अस्थमा है बीमारी, इसके अलावा हड्डियों में, मांसपेशियों में दर्द वगैरह है, तो ये एक क्रोनिक डिजीज में फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ती है और इससे काफ़ी लाभ भी होता है। सभी हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल है और इसके कैरियर स्कोप का जहाँ तक सवाल है, डिप्लोमा डिग्री दोनों कोर्स होते हैं इसमें, तो आप डिग्री कोर्स करें ज़्यादा अच्छा है। डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, प्राइवेट में हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिल सकती है, एक दो साल का एक्सपीरियंस भी आपको लेना जरूरी होता है। फिजियोथेरेपिस्ट किसी अच्छे से आप काम को सीखिए, करने के बाद डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी DPT कहलाता है। इसमें एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो 12th पास साइंस होना चाहिए। इसके अलावा दो साल का ये डिप्लोमा है, 40 से 70 हज़ार रुपये गवर्नमेंट आपको कॉलेजेस में फीस कम लगेगी, लेकिन 40 से 70 हज़ार रुपये प्रति साल का खर्चा इसमें आता है। गवर्नमेंट कॉलेज में जैसा मैंने बताया कम लगती है। एक BPT कहलाता है 12th पास साइंस के बाद, ये 4 साल का भी होता है और इसमें इंटर्नशिप इंक्लूड रहती है। 60 से 80 हज़ार तक का इसमें खर्चा आता है। गवर्नमेंट कॉलेज से भी आप कर सकते हैं, PG कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं और एडमिशन प्रोसीजर जैसे डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम भी होता है इसका, किसी भी कई कॉलेजों में मेरिट बेसिस पे भी होता है, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। 15 से 20 हज़ार पर मंथ आपको सैलरी इसमें मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आप स्वयं का अपना कोई काम चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा कोर्स है। तो इस तरह बीमारियां, जो भी डिजीज का उपचार, अस्थमा है आपको, हड्डी में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, मसल पुल हो गया है, कोई और कारण है, तो फिजियोथेरेपी इसकी सलाह दी जाती है। जकड़न दर्द वगैरह में भी ये होती है और ऑलमोस्ट इसकी डिमांड बढ़ रही है। अच्छा कोर्स है, बच्चे से करके अपना फ्यूचर संवार सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।